हेलो अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। भाई दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं स्कूल वैन वालों के हवाले से, क्योंकि जो बच्चों को पिक एंड ड्रॉप वगैरह करते हैं और इसके अलावा जो है हर चीज़ में पार्टिसिपेट में ये लोग होते हैं, और इसके अलावा जो है वैन वालों के तो मैं खुद ही खिलाफ हूँ, क्योंकि ये जो है सुबह के टाइम काफ़ी तेज़ गाड़ी चलाते हैं। बच्चे साथ होते हैं इनके, लेकिन ये इनको जो है इतनी भी ज़्यादा जो है मैनर्स नहीं होते। लेकिन अभी जो है रिसेंटली, मुझे आज कल की बात है, क्योंकि मैंने एक वैन वाले को देखा, क्योंकि सुबह वो नाश्ता कर रहा था होटल के पर, मैं भी होटल के पास ही था। उसके अलावा उसने, मकसद आपको तो पता ही है सब लोगों को, कि जो है सिगरेट जो है बच्चों के लिए काफ़ी ज़्यादा ख़तरनाक है। इनफैक्ट अगर बंद कमरे में अगर इंसान पिए तो और भी ज़्यादा ख़तरनाक होती है, अगर बच्चे साथ में हो, क्योंकि यही सारी वाली प्रॉब्लम है। इसके अलावा जो है आज मैंने जो है एक वैन वाले को देखा, नाश्ता करा उसने, नाश्ता करने के बाद उसके पीछे बच्चे बैठे हुए थे। उसने लिहाजा, मकसद मैं उसकी वीडियोस वगैरह तो नहीं बना सका, लेकिन मुझे काफ़ी बुरा लगा और काफ़ी दुख भी हुआ ये सब चीज़ें देख के। लेकिन बच्चों को के माँ बाप और उनके पेरेंट्स को देखना चाहिए ये सब कुछ। उसने सिगरेट जलाई है बकायदा, शीशे बंद पड़े थे गाड़ी के और इसने जो है सिगरेट वगैरह जलाई। फिर उसके अलावा जो है भाई, चले ठीक है मानते हैं चीज़ को कि सर्दी ज़्यादा है, आप जो है शीशे वगैरह बंद कर सकते हैं, लेकिन इसके अलावा जो है उसने बच्चों को भी नहीं देखा, बड़े भरम से जो है सिगरेट वगैरह जलाई और वहाँ से चला गया। इनफैक्ट गाड़ी के शीशे वगैरह बंद पड़े हुए हैं, बच्चे पीछे बैठे हुए हैं, लेकिन वो सिगरेट पी रहा था। लेकिन इसके अलावा जो है, मैं स्कूल वालों से इन सबसे यही गुजारिश करूँगा छोटी सी, कि देखें स्कूल वैन वाले आप लोगों के पास आते हैं, बच्चों को जो है पिक एंड ड्रॉप वगैरह के लिए आप लोगों ने रखा हुआ है, माशाल्लाह काफ़ी बेहतरीन सर्विस है, और ये होनी भी चाहिए क्योंकि सर्दी के सीज़न है। इस वक्त जो है ये काफ़ी बेहतर है। अब कुछ लोग अफोर्ड कर सकते हैं, कुछ लोग नहीं अफोर्ड कर सकते, तो ये सारा प्रॉब्लम तो आपको तो पता ही, क्योंकि पेट्रोल वगैरह का सीन है और कुछ तो वो सीन है। लेकिन इनफैक्ट के मैं स्कूल वालों से सबसे या उनके पेरेंट्स से ये बोलना चाहूँगा कि आपके घर के अंदर, आपके घर पर जो है कोई भी जो है वैन वाला आता है और बच्चों को जो है ड्रॉप करता है, पिक करता है, तो लाजमी उसके ऊपर निगाह रखा करें, ना लाजमी उसके ऊपर नज़र रखा करें कि वो सिगरेट वगैरह पीता है या उसके अलावा कुछ भी करता है, क्योंकि घर के पास तो वो बिल्कुल नन्हे बने हुए होते हैं, लेकिन उसके बाद आगे जाके वो क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं इस चीज़ का जो है किसी को इल्म नहीं होता। लेकिन आप स्कूल वालों से, इनसे काफ़ी गुजारिश भी किया करें, और काफ़ी कि आपको सबसे पहले ख़ुद को ही देखना चाहिए कि जो है कि कौन वैन वाला है और इतनी एक्टिविटी के अंदर है या नहीं है। चले एक माँ बाप तो एक अलग ही मामला है, लेकिन चक्कर ये कि सिगरेट जो का मामला है काफ़ी ख़तरनाक है बच्चों के लिए, तो प्लीज़ इस चीज़ पर काफ़ी निगाह रखा करें। और बस के मकसद, क्योंकि ये लोग तेज़ तो चलाते ही हैं, माशाल्लाह पता नहीं किस चीज़ की जल्दी है, मेरी तो ये समझ में नहीं आता, लेकिन ये काफ़ी तेज़ चला रहे होते हैं, दूसरे बंदों को भी नहीं देखते। लेकिन चौथी बात ये कि जो बंदा, दूसरा बंदा अगर गाड़ी चला भी रहा है उनके बराबर के अंदर, ये लोग उनको भी नहीं देखते। तो लिहाजा अगर कोई वैन वाले, अगर कोई शेयर अगर ये बात करें, तो बिल्कुल मैं ये कहना चाहूँगा प्लीज़ अपना तो ख्याल रखें, लेकिन दूसरों का भी ख्याल रखें, और इसके अलावा आपके जो पीछे बैठे हुए होते हैं उनका भी ख्याल रखें। थैंक यू सो मच। हम इस ब्लॉग को यहीं पर ही जो है एंड करते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें, क्योंकि आपकी जो है लाइक शेयर कमेंट से ही जो है हमें व्यूज़ वगैरह सब कुछ आपको तो बताइए, क्योंकि हर चीज़ लोगों के पास एक ही एक वो होता है कि भाई वीडियो को लाइक करो, कमेंट करो, शेयर करो। तो प्लीज़ मेरी तरफ़ से यही एक रिक्वेस्ट है। तो थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़। अपना बहुत ख्याल रखिएगा।